नमस्कार, ओपो हिंदी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी क्रिकेट फैंस को एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। हालांकि ये भारत श्रीलंका वनडे सीरीज के बारे में नहीं है और ना ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। ये खबर भारतीय टीम के उस बल्लेबाज के बारे में है जो इन दिनों टीम इंडिया से काफी दूर है। BCCI और सेलेक्टर्स उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन उनका बल्ला इन दिनों खूब आग उगल रहा है। पृथ्वी शॉ के बल्ले ने अब तो नया रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है। चलिए आज हम उनके इसी रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पृथ्वी शॉ ने रणजी के इतिहास में एक दूसरी सबसे व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ गुवाहाटी में 383 गेंद में 49 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 379 रन बनाए। 100 मैच के पहले दिन 240 रन बनाकर नाबाद रहे थे, वहीं दूसरे दिन उन्होंने 99 गेंद पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ ही पृथ्वी शॉ ने रणजी क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं पहला व्यक्तिगत स्कोर किसके नाम है। दिसंबर 1948 में काठियावार के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाने वाले भाव साहेब निम्बालकर के नाम रणजी ट्रॉफी के सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड है। साथ ही वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। आपको बता दें, 100 दोनों ही लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। 100 ने पहले ही दिन 240 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन मुंबई की ओर से पृथ्वी शॉ के दोहरे शतक के अलावा अजिंक्य रहाणे की शतकीय पारी भी आई। मुंबई ने 4 विकेट के नुकसान पर 687 रन बनाकर पारी घोषित कर दी है। 100 के 379 रन के अलावा कप्तान रहाणे ने भी 302 गेंद में 191 रन की पारी खेली है। अब हम आपको पृथ्वी शॉ के फर्स्ट क्लास मैच के आंकड़े बताते हैं। पृथ्वी शॉ ने अब तक 41 फर्स्ट क्लास मैच की 72 पारियों में करीब 52 की औसत और 82 की स्ट्राइक रेट से 3623 रन बनाए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11 शतक और 15 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। उनका बेस्ट स्कोर 379 रन है। उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 42 की औसत और 86 की स्ट्राइक रेट से 339 रन बनाए हैं।